लखनऊ से बड़ी खबर है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेगी कांग्रेस। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आंदोलन होगा और प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता रिक्शा तांगा बैलगाड़ी से मार्च निकालेंगे। जिला मुख्यालय तक 5 किलोमीटर रिक्शा खींचकर विरोध जताएगी कांग्रेस। तो उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस है और कांग्रेस कार्यकर्ता रिक्शा खींचेंगे, 5 किलोमीटर तक विरोध जताया जाएगा, बैलगाड़ी यात्राएं निकलेंगी और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे रसोई गैस हो, इसके बढ़ते दामों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें नहीं संभाल पा रही हैं और सभी जिला मुख्यालयों तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता रिक्शा तांगा बैलगाड़ी से मार्च निकालेंगे। जिला मुख्यालयों तक ये प्रदर्शन होगा, 5 किलोमीटर रिक्शा खींचा जाएगा और ये संदेश दी जाएगी कि किस तरीके से स्थितियां बिगड़ी। और हमारे साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, वाराणसी से नीतीश है, कानपुर से रतीश और आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या पूरी रूपरेखा है और किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश होगी? जी देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन शुरू किया जाएगा और उनकी कोशिश ही रहती है कि किसी भी तरह विधानसभा भवन पहुँच जाएं या मुख्यमंत्री आवास पहुँच जाएं। जिस तरह से वो लगातार उग्र आंदोलन करते हैं, अजय लल्लू कई बार आंदोलन करते हुए लाठी का शिकार भी हो चुके हैं, मारपीट भी उनके साथ हो चुकी है, कई बार जेल भी जा चुके हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में लखनऊ में ज़बरदस्त आंदोलन होता है। कोशिश ये है कि इसी तरह का उग्र आंदोलन महंगाई को लेकर प्रदेश के सभी जनपदों में हो, सभी जनपद के मुख्यालय हैं। ठीक है, अजय लल्लू लीड करेंगे लखनऊ में, आप बता रहे हैं विवेक का। वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास, वाराणसी में प्रदर्शन कैसा होगा, कौन लीड करेगा नीतीश? राजेंद्र जी, दो गुट है यहाँ पर, दो गुट जिस तरह से बात होती है, तो अजय राय का जो गुट है वो 11:45 पर बाबा कीनाराम आश्रम से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जाएगा। इसके साथ ही राजेश मिश्रा का जो गुट है वो आपका अगर बात करें तो कचहरी मार्ग तक वहां तक जाएगा। आपको बता दें कि बनारस में प्रदर्शन उग्र है और उग्र होने के साथ बनारस में तो खास तौर पे इसलिए उग्र है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और उसमें कहीं ना कहीं महंगाई को मुद्दा बनाने का प्रयास होगा। तो आज कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन दो अलग अलग होगा, अलग अलग बढ़ेंगे। रतीश भी हमारे साथ बने, रतीश कानपुर में किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा और क्या ताकत दिखाने की कोशिश है वहां पर? देखिए, कांग्रेस ताकत दिखाने की कोशिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव या पंचायत के चुनाव में कांग्रेस की प्रेजेंस देखी ही नहीं गई, यानी कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी को मान लिया गया है और कांग्रेस इसीलिए अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। आज पेट्रोल पदार्थ के जो उत्पाद के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम और डीजल के, उनके लिए आज प्रदर्शन किया जाएगा और खड़खड़ा और टांगा पर चल करके ये दिखाया जाएगा सांकेतिक रूप से कि अब आम आदमी के पहुंच से पेट्रोलियम। बिल्कुल ठीक है, आपने रतीश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पिछले जो पंचायत चुनाव हुए उसमें कांग्रेस कहीं फाइट में दिखाई नहीं दी, उनका कोई कैंडिडेट इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा हो, जीतने की स्थिति में आया हो, ऐसी बात नजर नहीं आई। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा, आगरा में क्या स्थिति रहेगी आज इन प्रदर्शनों की? नितिन, क्योंकि आगरा में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, ऐसा ऐलान कांग्रेस महानगर और कांग्रेस की जिला इकाई की तरफ से किया गया है। प्रतापपुरा चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के जरिए तमाम जो कांग्रेसी नेता सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे प्रतापपुरा चौराहे से, 11 बजे से ये प्रदर्शन की उन्होंने सूचना दी है। अब देखना ये है कि आज जो महंगाई और को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाते हैं, और इसी तरह से 15 तारीख को आगरा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। तो कुल मिला के कहा जाए अब विपक्ष महंगाई और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाने लगा है 2022 पर। महंगाई एक विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज कह रहे हैं आप कि कांग्रेस और फिर 15 तारीख को समाजवादी पार्टी भी इसी विषय को लेकर प्रदर्शन करेगी।